वंश अध्यक्ष का काम होता है कि इसकी शुरुआत करवाना। विशिष्ट अतिथियों का काम होता है मुख्य अतिथि से पहले अपने विचार रख। आप लोगों किसी को बुरा लगता हो तो लग जाए, किंतु अच्छी बात है, समाज हित की बात बोलनी चाहिए। अगर हम अपनों में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलते। गौपालकों का प्रोग्राम है या गौ संहारकों का है, बताओ कोई भी। तो जब गौपालकों का प्रोग्राम है तो तरीके से हमारी पहचान गाय से है। क्या कर रहे हो भाई, पूरा मामला खराब करवा रहे हो। बात कैसे नहीं है, क्या नहीं पा रहे हो तुम? कोई दिक्कत नहीं, पूरा कैमरा खराब खराब करवा रहे हो। अरे मुझसे ले लिए ना, मोबाइल छोड़ो ना यार। भी त्रिकोण यादव बहुत खुशबू है, आराम से जाती जाए। राजन प्रीत यादव फैसपुर वाली भैया उपेंद्र भैया सबसे ज्यादा सर्वाधिक इस बच्चे ने नंबर प्राप्त किए हैं यशवंत यादव ने 98% हाईस्कूल में। देखिए जो भैया यशवंत है जनाब सतपाल सिंह यादव, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजयपाल सिंह यादव के नाती है जो धनारी से घड़ा के रहने वाले ब्लॉक प्रमुख है, पूरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं अजयपाल यादव के ये बेटे जो उनकी जगह सम्मान ले रहा है। कृष्ण की जन्माष्टमी के जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजन पर उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में उपस्थित गुन्नौर से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम खिलाड़ी जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजेश जी, मुर्दाबाद पार्टी से पधारे आदरणीय डीपी यादव जी, और आज का ये दिन मैं समझता हूँ न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र ऐसा दिन, जिस दिन ऐसे व्यक्तित्व ऐसे महान हमारे ही नहीं बल्कि सभी के पूरे देश और दुनिया के, जिनको लोगों ने ईश्वर कहा ईश्वर माना, जिनको योगी राज माना, हमने आपने धर्म धार्मिक किताबों में धार्मिक चीजों में हम लोग इस मंच से क्या कहते हैं क्या क्या कह पाते हैं। सवाल इस बात का भी है कि हम और आप उनके बताए हुए रास्ते पर कहां तक चल पाते हैं, क्योंकि जहां तक आप चल सकोगे
वहां तक आपका कल्याण होना तय है। अब कितना चल पाते हैं ये हमारे आपकी क्षमता की बात है। इसलिए आज इस पावन मौके पर, पावन अवसर पर मैं आप सभी से अपील करूंगा, बहुत सारे अपने विद्वान साथियों को सुना, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कम से कम पहले अपने आप के, फिर अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, और जहां तक आपका संपर्क हो, जहां तक आपकी बात को लोग माने, वहां तक हम लोगों को उन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा आपका ये दिन, जिस दिन के लिए हम सब इंतजार करते हैं, उस दिन का अगर सार्थकता तभी होगी कि हम लोग संकल्प लें और संकल्प लेके भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। भगवान श्री कृष्ण एक नहीं, अनेक रास्ते दिखाए।